जब अधर्म और बुराई अपने चरम पर पहुंचेगी, तब काली पुरुष का प्रकट होना निश्चित है। ये कोई साधारण दानव नहीं होगा, बल्कि इतना शक्तिशाली होगा कि इसे हराने के लिए स्वयं भगवान विष्णु के दशम अवतार भगवान कल्कि को भी 7 चिरंजीवियों की सहायता लेनी पड़ेगी। काली पुरुष का आना इस संसार में उस समय की चेतावनी होगी जब धर्म का ह्रास हो चुका होगा और मनुष्यता अपने पतन के मार्ग पर होगी। काली पुरुष की उत्पत्ति कलयुग के चरम में होगी। वह पूरी मानवता के लिए एक विनाशकारी शक्ति होगी, जिसका एकमात्र उद्देश्य इस संसार को अधर्म, बुराई और हिंसा से भर देना होगा। आप देख रहे हैं अनसुनी भगवान कथा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके आगमन के साथ ही संसार में अराजकता और तबाही का दौर शुरू हो जाएगा। उसकी ताकत केवल उसके शारीरिक बल में ही नहीं होगी, बल्कि वह मानसिक, आध्यात्मिक और मायावी शक्तियों का भी मालिक होगा। उसके साम्राज्य में मनुष्यता का पतन तय होगा और केवल भगवान कल्कि ही उसे हराने की शक्ति रखेंगे। काली पुरुष के सेनापति काली पुरुष की सेना को 2 अत्यधिक शक्तिशाली सेनापति संभालेंगे, जिनका नाम होगा कोका और विकोका। ये दोनों सेनापति अपने अपने क्षेत्र में माहिर होंगे और उनकी शक्तियां उन्हें अमृता के करीब ले जाएंगी। कोका के पास अग्नि को नियंत्रित करने की शक्ति होगी। वह आग को अपनी मर्जी से बुला सकता है और उसे जहां चाहे फैला सकता है। उसके इस शक्ति के कारण उसका विनाशकारी प्रभाव पूरे युद्ध क्षेत्र में फैलेगा। कोई भी जगह उसकी अग्नि से सुरक्षित नहीं होगी। विकोका को पृथ्वी और पानी पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त होगी। वह जमीन को हिला सकता है, धरती के अंदर छिपी शक्तियों को बाहर निकाल सकता है और नदियों तथा समुद्रों को अपने अनुसार मोड़ सकता है। उसके नियंत्रण में समुद्रों की गहराई और धरती के तल में बसी शक्तियां होंगी। विकोका जब चाहे तब प्रलय की स्थिति बना सकता है। इन दोनों सेनापतियों की सबसे भयानक शक्ति यह होगी कि अगर इनमें से एक मारा भी जाए तो दूसरा उसे फिर से जीवित कर सकेगा। यह अमृता का रूप उनकी सबसे बड़ी ताकत होगी और उन्हें लगभग अजेय बना देगी। उनका यह संयुक्त शक्ति संसार को निरंतर विनाश के कगार पर रखेगी। काली पुरुष की सेना में केवल सेनापति ही नहीं होंगे, बल्कि वह 5 विनाशकारी शक्तियों का भी उपयोग करेगा, जो इस संसार को अधर्म और अराजकता की गहराइयों में ले जाने के लिए जिम्मेदार होंगी। ये शक्तियां अलग अलग रूपों में काली पुरुष की सेना का हिस्सा बनेंगी और मनुष्यता पर भारी पड़ेंगी। ये शक्तियां हैं हिंसा, काली पुरुष की सेना का सबसे विनाशकारी हिस्सा होगी। यह शक्ति किसी भी साधारण व्यक्ति को हिंसक बना देगी। इसका प्रभाव इतना भयानक होगा कि यह लोगों को उनके दोस्तों, रिश्तेदारों और यहां तक कि अपने प्रियजनों के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर कर देगा। यह मनुष्य के दिलों में नफरत भर देगी और युद्ध तथा झगड़े हर कोने में फैल जाएंगे। हिंसा के प्रभाव में इंसान अपनी सोचने की शक्ति खो देंगे और केवल विनाश ही उनका एकमात्र उद्देश्य बन जाएगा। माया वह शक्ति होगी जो लोगों को उनके अपने मोह और इच्छाओं के जाल में फंसाएगी। ये शक्ति लोगों को वह सब दिखाएगी जो वे हमेशा चाहते थे लेकिन प्राप्त नहीं कर सके। माया एक भ्रम का संसार तैयार करेगी जिसमें लोग अपने सपनों की दुनिया में फंस जाएंगे और सच्चाई को भूल जाएंगे। माया की इस शक्ति से लोग अपनी वास्तविकता से दूर होते जाएंगे और एक अंधकारमय जीवन में फंस जाएंगे। गंदगी बीमारी गंदगी काली पुरुष की सेना का वह हिस्सा होगी जो बीमारियां और गंदगी फैलाएगी। यह शक्ति हर तरफ अशुद्धता और बीमारियों का प्रसार करेगी। लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित होंगे और स्वस्थ जीवन की ओर उनका रुख समाप्त हो जाएगा। गंदगी से फैली बीमारियां समाज को कमजोर करेंगी और लोग अपने आप में ही खो जाएंगे। इस गंदगी का प्रसार समाज को शारीरिक और मानसिक रूप से नष्ट करने के लिए किया जाएगा। नशा, मादक पदार्थ, मानसिक भ्रांति। नशा एक और बड़ी शक्ति होगी जो काली पुरुष की सेना का अहम हिस्सा होगी। यह शक्ति लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेगी और उन्हें नशे की लत में डाल देगी। नशे में धुत लोग अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देंगे और गलत काम करने लगेंगे। नशा मनुष्यों को अपराध, पाप और अधर्म की ओर धकेलेगा। यह शक्ति समाज को नैतिक पतन के रास्ते पर ले जाएगी और लोग अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर केवल अपने नशे की भूख मिटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब यह विनाश अपने चरम पर पहुंचेगा, तब भगवान विष्णु का दशम अवतार भगवान कल्कि प्रकट होंगे। उन्हें केवल अपनी शक्ति से काली पुरुष को हराना संभव नहीं होगा,
इसलिए वे सात चिरंजीवियों की सहायता लेंगे। इस महायुद्ध का परिणाम कलयुग के अंत की शुरुआत होगी। भगवान कल्कि के विजय के साथ संसार में एक नए युग की शुरुआत होगी, जहां धर्म, सत्य और न्याय का पुनर्स्थापन होगा। काली पुरुष की पराजय से दुनिया में फिर से शांति और संतुलन का राज्य होगा। इस महायुद्ध के बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा और सत्य युग का पुनर्जन्म होगा। यह कथा काली पुरुष, उसके सेनापति और उनकी सेना की बर्बरता को दर्शाती है, साथ ही भगवान कल्कि की विजय की भविष्यवाणी को भी। इस महायुद्ध के बारे में अधिक जानने और इसके महत्व को समझने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।